दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय मनीषा रानी ने फुकरा इंसान के साथ एक ऐसा प्रैंक कर दिया जिसे देखकर फुकरा इंसान बुरी तरीके से चौंक गए। हालांकि वो डरे तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मनीषा रानी अपने फेस पर फेस मास्क लगाकर बैठी हुई थी और इसी दौरान वॉशरूम एरिया में फुकरा इंसान आ रहे थे और फुकरा इंसान को आते देख कर मनीषा रानी गेट के पास में खड़ी हो गई और छुपके से खड़ी हो गई। जैसे ही यहाँ पर फुकरा इंसान आते हैं तो मनीषा रानी जोर से उनके सामने उछल कर आ जाती है और उनको डरा देती है। हालांकि फुकरा इंसान चौंक जाते हैं और वो बिल्कुल भी डरते नहीं है और मनीषा को कहते हैं कि ये कौन सा मजाक है, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। वहीं दोस्तों इसके बाद में मनीषा रानी के फेस मास्क का यहाँ पर फुकरा इंसान ने जमकर मजाक भी उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि तेरे को एक बात बोलूं, अगर तू बुरा ना माने तो, तू इतना अपने चेहरे पर कभी कॉफी लगाती है, कभी तू फेस पैक लगाती है, कभी तू फेस मास्क लगाती है, इतना सब कुछ ट्राई करती है नेचुरल ग्लो के लिए, फिर तू इतना मेकअप क्यों थोप लेती है अपने चेहरे पर? जब तुमको मेकअप ही करना होता है तो फिर इतना फालतू में क्यों करते हो? या तो तुम नेचुरल रहो, जैसे तुम्हारी नेचुरल स्किन है, जैसे भगवान ने दी है वैसे रहो, या फिर मेकअप करना बंद कर दो। लेकिन मनीषा रानी ने कहा कि हम कहाँ करते हैं इतना, हमने कॉफी केवल महीने में 2 बार लगाए हैं और मेकअप करना जरूरी होता है यार अच्छा दिखने के लिए। और इस चीज का यहाँ पर फुकरा इंसान ने जमकर मजे लिए। फिलहाल दोस्तों कैसे लगी फुकरा इंसान और मनीषा रानी की आपस में ये मस्ती, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप इन दोनों के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।